जाए जाए। और यहाँ जो मिट्टी है इससे काफ़ी जो है लोग परेशान हैं, खासकर यहाँ की रहायशी वाले लोग। और साथ साथ यहाँ अक्सर होता है कि कचरा, आप देख रहे हैं कचरा जो है यहाँ उठाया जाता है, नहीं कचरा जलाया जाता है, जिसकी वजह से घर में धुआं आता है और लोगों की हालत गैर होती है। तो और जो गर्मी है, गर्मी में मिट्टी जो है उसकी गर्माहट अलग होती है। तो गुजारिश है मेरी मेयर के हिसाब से कि जल्द से जल्द इस एरिया को क्लियर करवा के काम जल्दी करवाया कि जाए, ताकि जो है मामला जो अंडर पास का है वो प्रॉपर अपने पाए तक में पहुँच सके। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हाजिर हूँ कराची के करीमाबाद से। करीमाबाद जो है वो कराची का सेंटर ऑफ द सिटी है, कराची का कोर पार्ट है। करीमाबाद जोड़ता है नाजमाबाद को गुलशन से, लालू खेत को सोहराब रोड से। फेडरल बिरिया सेंट्रल का एरिया है, और जो करीमाबाद है फेडरल बिरिया में ही वाकई है। ब्लॉक 3, ब्लॉक 1, ब्लॉक 4 और मूसा कॉलोनी के दरमियानी जो रास्ता है वो जो है करीमाबाद है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज नेमतुल्ला खान साहब के ज़माने में बना था और मुशर्रफ साहब का दौर था। और जो ब्रिज है, एक पहला ब्रिज था जो काफ़ी बड़ा ब्रिज बना था कराची में, जो कि ऐसा मंदिर के फ़ौरन बाद स्टार्ट होता है और उतरता है याकूताबाद दाखा से काफ़ी दूर, थोड़ी दूर पहले, यानी 10 मिनट कवर करता है। और इस ब्रिज के बनने से ये हुआ कि शायद पाकिस्तान है जो कि सोहराब रोड से टूवर्ड्स जा रही है याकूताबाद, इसको सिग्नल फ्री कॉरिडोर करता है। साथ साथ जो है ऐशा मंजिल पे और ऐशा मंजिल के अलावा जो है वाटर पम्प पर ब्रिज बनने के बाद ये पूरा रास्ता सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो गया है। मगर इशू ये रहा कि करीमाबाद के ब्रिज के नीचे ट्रैफिक या जाम रहता रहा, और इवन कि हमने खुद देखा, हम खुद विटनेस रहे कि एक एक घंटा लोग जो है गाड़ियों में फंसे रहे। और जिसकी वजह से ये हुआ कि हमने काफ़ी मरीजों को फंसे रहते हुए भी देखा, लोगों की जो है जो मामला थे ख़राब होते हुए भी देखे, एम्बुलेंस में लोगों की तबीयत ख़राब होती हुई देखी। और अक्सर ये होता था कि रिक्शा टैक्सी की वजह से, बसेस की वजह से जो है यहाँ ट्रैफिक जाम रहता था। तो यहाँ के जो मकामी है उनको तो इतना ज़्यादा इशू नहीं था जितना जो आगे गुजर बसर करने वाले थे, जो कि नाजमाबाद जाते थे गुलशन से होते हुए या करीमाबाद से होते हुए, या जो याकत नेशनल से जा रहे हैं किसी अस्पताल जियाउद्दीन या सैफी, तो उनको काफ़ी परेशानी होती थी। मगर अब जो है अंडर पास बनने के बाद ये हुआ कि अगर जब अंडर पास बन जाएगा तो जिसको जाना है नाजमाबाद ब्लॉक L से, ब्लॉक MNIJ से, या बोर्ड ऑफिस से, ब्लॉक D से, ब्लॉक B से, वो अगर जाते हैं CP बिरार सोसाइटी, धोरा जी, याकत नेशनल अस्पताल, आगा खान हॉस्पिटल, या टाइम मेडिकोस, या नेशनल स्टेडियम, तो वो अगर रास्ता लेते हैं थ्रू अंडर पास करीमाबाद, तो उनका आने जाने में 30 से 35 मिनट बचेगा। ये बात तो मानने वाली है। तो जो लोग आना चाह रहे हैं करीमाबाद वो आके देख सकते हैं, काम यहाँ बहुत स्लो हुआ है फिलहाल, और मेरी गुजारिश है मेरे कराची में जल्द से जल्द इस काम को निपटाया जाए। बाकी काम आप देख सकते हैं ये आज से कुछ दिन पहले ही मैं आपको बता दें खुदाई हुई हुई है। बारिश होने से पहले मैं बोला कि अब ये काम 7 मुहर्रम से पहले से रुका हुआ है, इस काम को जो है बेहतरी की तरफ करना चाहिए। मगर आप देख सकते हैं वो 35% काम जो रुका हुआ है, बस वही काम हुआ है, इसके अलावा यहाँ खुदाई होते होते रुक गई है, खुदाई प्रॉपर हो नहीं रही है, मिट्टी को छोड़ा हुआ है, शेड्स लगाए हुए नहीं है। वो देखिए शेड्स जो लगे हुए अपनी मदद आपके तहत संस और बाटा के सामने, इस तरह के शेड यहाँ कहीं भी नहीं लगे हुए और ना ही यहाँ लगे हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है मेरे कराची से जल्द शीट्स लगाए जाएँ यहाँ, और यहाँ जो है सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी कैमरे नष्ट किए जाएँ, लाइट्स नष्ट की जाएँ, सिक्योरिटी गार्ड बिठाए जाए, ताकि यहाँ जो है मुझे ये पोल्ट्री जो है आ ना सके। अभी कुछ दिन पहले एक पोल्ट्री यहाँ से लोहा चोरी कर रहा था, उसको मैंने चिल्ला के भगाया और वो फिर भाग गया खैर। और इसी तरह जो है यहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, यहाँ लोग हैं और बाकी लोगों ने ऊपर खड़ी की हुई, अगर मिट्टी का तोड़ा गिरेगा तो बाइकें भी नीचे गिर सकती है। तो ये सब चीज़ें रोकने के लिए कोई सिक्योरिटी का बंदा होना चाहिए। अभी सामने आप देख सकते हैं कि सामने ये जो रोड टूटा हुआ है, ये रोड अभी टूटा अभी अभी तोड़ा है इन्होंने, क्योंकि बाइक से काफ़ी आ रही थी, उन बाइक को रोकने के लिए रोड को उन्होंने खोदा है, ताकि जो है ये बाइक से आ ना सके, क्योंकि लोगों ने बाइक से पार्क करना शुरू कर दी थी इस जगह पर। तो ये रोड को खोदा गया है। अक्सर ये होता था कि ट्रैफिक जाम होता था, लोग क्या करते थे बाइकें और गाड़ियाँ यहाँ से लेके अंडर पास से लेते हुए वो हुसैनाबाद की तरफ निकल रहे थे।
तो इसके लिए इन्होंने रूट को खोदा गया है।